अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फेशियल केयर सेट। ये बहुत ही बेस्ट है अगर आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास जॉब है और या आप घर से बाहर नहीं जा सकते जैसे कोरोना के टाइम था, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो हम घर में फेशियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो है फेशियल केयर सेट। तो इस फेशियल केयर सेट के साथ जो होता है वो आप घर में बैठ के फेशियल कर सकते हैं। इसके साथ आपको चार किस्म के इस तरह के इसके टूल दिए जाते हैं और इसकी जो मेन मशीन होती है इसको यूज़ करके आप आराम से घर बैठ के फेशियल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि मेकअप है जैसे, वो भी आप प्रोफेशनल रूटीन में अपना जो है आराम से घर बैठ कर सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं आप ये किस तरह का है। पहले से मैंने इसको खोला तो देखा हुआ था, तो फिर आप दोबारा से अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो आपको अंदर से ये कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग नज़र आएगी। एक छोटा सा बॉक्स है बिल्कुल, जो आप अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं भी साथ लेके जाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और अब देख लें, हमने ओपन कर लिया है। और इसकी सबसे अहम चीज़ जो है वो है ये इसकी जो मेन ऑपरेटर है वो इसका ये मशीन है, जो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये इसका इंटेज करेगा। और इसकी सबसे मुझे अच्छी बात ये भी लगती है कि इसके अंदर बैकों के इसके अंदर जो वो बैटरीज हैं और इसके अंदर कोई तार वगैरह का कोई भी मसला नहीं है कि मतलब अगर तार वगैरह हो तो फिर यूज़ करें इसको, बेड पे वॉशरूम में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इसका बिजली वगैरह का भी कोई कनेक्शन का कोई मसला ऐसा नहीं है, सिर्फ बैटरी के साथ ये दो आपके सेल डालने हैं और इसके साथ ये आपकी मशीन आराम से यूज़ हो सकेगी। तो पहले ये मशीन आई थिंक यूरोप में थी, आज हम जो है पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। आप आराम से अमेजोन से या कहीं से भी इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट फंक्शन देगी। इससे आपके ब्लैक हेयर पर रिमूव करने में हेल्प करती है, स्किन को टाइट करती है और ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए कोई इसका ये इसके फंक्शन है मेरे पास, ये सबसे इसका क्लेंजिंग के लिए यूज़ होता है। जब कोई हम कोई चीज़ का क्लेंजिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं फेशियल में, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी यूज़ होने वाली चीज़ होती है। तो उसके अलावा ये इसका ब्रश है, ब्रश भी बहुत ज़्यादा इसका बेस्ट है, बहुत सॉफ्ट है। आप ये सोच रहे हो सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अब इसकी लुक ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आइज़ वगैरह के नज़दीक हम जब हम करते हैं हल्के वगैरह होते हैं तो सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा फाउंडेशन वगैरह जब यूज़ करते हैं तो उसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी ये मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। ये हैंड मसाज के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने यूज़ होने वाला है टूल है। तो चलें जी, आपको एक फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। मैं ये मेरे पास निफिया क्रीम है तो इसको देखते हैं, ये मेरे पास बंद पड़ी है इसको, तो निफिया क्रीम थोड़ी सी लगा के हम लोग सबसे पहले इस टूल को यूज़ करके देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। ये देखो इस तरह से करेगा, इसके यहाँ पे आपको इसकी स्पीड के लो भी है, यहाँ से हाई भी कर सकते हैं और नीचे वाला ऑफ, या आप अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं। चलिए जी, यहाँ से मैं निफिया क्रीम है मेरे पास, इस टाइम और कोई सामने नज़र नहीं आ रही तो मैं निफिया क्रीम, या इसको आपको एलोवेरा जेल के लिए या कोई भी क्लिनिक जॉब रोट करते हैं तो आप उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये बात करेगा, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है, नाइट सा है। 5 मिनट अपने लिए हम सांस को निकालना चाहिए, अपने फेस के लिए, अपनी खुशी के लिए हम 5 मिनट को निकालना चाहिए। इसको लगा के देखते हैं इस ब्रश को, ताकि ये इसे देखते हैं किस तरह, लेकिन ये ब्रश आराम से आपको ये मज़े की फीलिंग आ जाता है। वाह, ये आपको पूरा सा एक फेशियल जो मसाज होगा ये पूरी आपको ये फीलिंग देगा। क्या बात है, इसके बाद जो चीज़ है वह है हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं हम लोग। तो मेकअप स्पॉन्ज के लिए मैं यूज़ करूँगी ये बीबी क्रीम, जो मैंने कल आपको दिखाई भी थी अपने वीडियो में कि मैं बेसिकली ही क्रीम यूज़ करती हूँ। तो हम पहले इसके थोड़ा सा ले के पूरे इस पर मैं हैंड पे आपको करके दिखाती हूँ।
पूरे हैंड आप इस तरह चेहरे पे अपने लगा, पहले भी हम पैसे लगाते हैं तो दोस्त स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेकअप के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको ड्राई रखना है, अगर आप दूसरा फेशियल के इसको यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको फिर थोड़ा सा इसको पहले से गीला करना होगा। चलिए देखें किस तरह मिक्स करता है। पूरे इसको मिक्स कर देगा, क्योंकि मेकअप के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पूरे पूरे इस तरह से इसको मिक्स कर दिया। देखिए आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। चलेंगे जो लास्ट चीज़ है वो है, ये है मसाजर, हैंड मसाजर। उसको ज़्यादातर हैंड मसाजर के तौर पर लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे कोई मसाजर। तो मैं ले ली हूँ गोल्डन पारा का मसाज, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे तो इसके लिए मेरे पास एक गोल्डन गोल्ड का एक फेशियल किट है, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। इसको पहले मैं अपने हाथ पर लगा लूँगी और फिर मैं आपको मसाज करके दिखाऊँगी अपने हाथ पर। मेरे पास है तो यहाँ पे इसको लगा, इसको थोड़ा सा पहले गीला कर ले ताकि ये अच्छा सा हमें मसाज। तो आप इसे इसमें 2-3-5 मिनट तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं कोशिश की और मैंने कहा थोड़ा सा इसको वीडियो को लंबा ना हो, छोटी हो। चलेंगे ये इस तरह से हो गई। तो ये थी आपके साथ मैंने जो आपके साथ शेयर की है, ये मशीन और ये मसाजर, और इसके अलावा ये, तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग इसका रिव्यू मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा कल जो मैंने चीज़ें ली थी उनमें से एक गया था अपना पेल ऑफ मास्क लिया था, और इसके अलावा ये वाली क्रीम मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने कल आपको दिखाई थी। ओले की जो क्रीम है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे ये क्रीम बेस्ट लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों को भी अगर अच्छी लगी तो इस क्रीम को यूज़ करें। जो खैर ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।